अगर दोस्तों आप इस प्रकार से 3D फोटो अपने मोबाइल के अंदर फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आप ये वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, जिससे कि आप जान सकते कि आप किस प्रकार से 3D फोटो अपने एंड मोबाइल के अंदर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इन फोटो का जो लुक है वो 7D जैसा है, आप देख सकते हैं। इसको आप जैसे भी मूव करते हैं इस प्रकार से ये मूव होते हैं और इसके अंदर का जो इफेक्ट है वो काफ़ी शानदार लगता है। और इन फोटो का जो लुक है वो बिल्कुल वीडियो की जैसा आपको शो होगा। यदि आप इसको अपने मोबाइल की डिस्प्ले पे रखते हैं तो आपका जो मोबाइल है वो काफ़ी शानदार लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल पे इस फोटो को सेट किया है, जिससे कि मेरे मोबाइल की जो डिस्प्ले है उसका लुक काफ़ी शानदार आ रहा है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता लेता हूँ आप इस प्रकार के जो फोटो है वो अपने एंड मोबाइल के अंदर फ्री में कैसे डाउनलोड करके अपने वॉलपेपर के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करना है और फिर वहां पे आपको सर्च करना है 3D वॉलपेपर पैरेलैक्स फ्री। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पे पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। यदि आपने इस ऐप को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल नहीं किया तो सबसे पहले आपको इस ऐप को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने के बाद जब आप इस ऐप को ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको कई प्रकार के 3D फ्री में फोटो मिल जाते हैं। यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं। और जो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप डायरेक्ट जिस फोटो को देखना चाहते हैं आपको उस पर क्लिक करना है। और उस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये फोटो हमें इस प्रकार से शो हो जाता है, जो कि 7D का फोटो है। यदि आप इसको यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड पे क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है। यदि आप इसको अपने वॉलपेपर पर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है सेट वॉलपेपर, आपको उस पर क्लिक करना है, जिससे कि इस फोटो को आप डायरेक्ट यहाँ पे अपने वॉलपेपर पर रख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे ओपन करके आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से हमें अपने वॉलपेपर पर ये फोटो शो होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 7D का फोटो है वो हमें इस प्रकार से शो हो जाता है और ये फोटो काफी शानदार लग रहा है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इफेक्ट अपने मोबाइल का आ रहा है। यदि दोस्तों आपको ये फोटो पसंद नहीं तो वापस आप उस ऐप के अंदर जाके आपको जो भी फोटो पसंद आता है उसको आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये फोटो पसंद आता है तो आपको केवल इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यदि आप अपने वॉलपेपर पर इसको सेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ से इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। और डाउनलोड करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे लिखा है सेट वॉलपेपर, आप इस पर क्लिक करके अपने वॉलपेपर पर इसको सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस फोटो को अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे सेट कर लिया है और आप देख सकते हैं इससे हमारे जो मोबाइल का लुक है वो काफ़ी शानदार आता है। आप जैसे भी अपने मोबाइल को मूव करते हैं इस प्रकार से आपका जो फोटो है वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक मूव हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद फिर आपको यहाँ पे जो बेल का आइकन दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है, जिससे कि आपको हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो है उन सब का बेल के द्वारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।